आभार, आदर, नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि अगर हम आकांक्षाओं में, मान सम्मान की इच्छाओं में फंसे हुए हैं तो हमसे अभी कुछ भी नहीं छूटा, हम पुराने जाल में ही पड़ेंगे। पर आप बताइए, क्या करेंगे आप इससे? दिखाकर क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? इन दोनों से पार हटकर, द्वंद्व से हटकर जो दृष्टा में डूबता है तो पाता है कि एक ही है। ये पूर्णिमा का चांद तो एक ही है, सरोवरों, पोखरों, तालाबों, सागरों, अलग अलग दिखाई पड़ता था सब में। अलग अलग दर्पण थे इसलिए दिखाई पड़ता था। अब एक कहानी ऐसी भी है कि एक राजमहल में सम्राट ने जो इतना सुंदर महल बनाया था, सिर्फ दर्पण ही दर्पण लगाए हुए थे, कांच महल था। एक कुत्ता सम्राट का, खुद का कुत्ता, रात बंद हो गया, भूल से अंदर रह गया। अब उसकी अवस्था तो आप समझ ही सकते हैं, आप क्या हुई होगी। वही आदमी की अवस्था है। उसने चारों तरफ देखा, कुत्ते कुत्ते हर दर्पण में, घबरा गया, भौंका। जब आदमी भयभीत होता है तो दूसरे को भयभीत करना चाहता है, शायद दूसरा भयभीत हो जाए तो अपना भय कम हो, एक साथी मिल जाएगा। कुत्ता भौंका, लेकिन स्वभावतः वहाँ तो दर्पण ही थे। दर्पण दर्पण से कुत्ते भौंके, आवाज़ उसी पर लौट आई, अपनी ही प्रतिध्वनि। वो रात भर भौंकता रहा और भागता और दर्पणों से जूझता लहू लुहान हो गया। कोई भी नहीं था वहाँ, अकेला था वो, सुबह मरा हुआ पाया गया। सारे भवन में खून के चिन्ह थे। उसकी कथा आदमी की कथा है, या दूसरा नहीं है या अन्य है ही नहीं, जो है अनन्य है या एक है। लेकिन उस एक को जब तक तुम भीतर से ना पकड़ लोगे, ख्याल में नहीं आएगा। तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं, सचमुच मुक्त है, इसे कल्पना मत समझना। आदमी बहुत अद्भुत है, सोचता है कि संसार तो सत्य है और ये सत्य की बातें सब कल्पना है। दुख को सत्य मानता है, सुख की कोई किरण उतरे तो मानता है कि कोई सपना है, कोई धोखा है। ओशो के पास बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं, बड़ा आनंद मालूम हो रहा है। शक होता है, कहीं ये भ्रम तो नहीं है। दुख में इतने जन्मों जन्मों तक रहे हैं कि भरोसा ही खो गया कि आनंद हो भी सकता है। आनंद असंभव मालूम होने लगता है। रोने का अभ्यास ऐसा हो गया है, दुख का ऐसा अभ्यास हो गया है कि कांटों से ऐसी पहचान हो गई है कि फूल अगर दिखाई भी पड़ जाए तो भरोसा नहीं आता, लगता है सपना है। आकाश कुसुम है, होगा नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो सकता, छोड़ो। अष्टावक्र कहते हैं, सचमुच मुक्त है, व्यक्ति बंधा नहीं है। बंधन असंभव है क्योंकि केवल परमात्मा है, केवल एक है। ना तो बांधने को कुछ है, ना बंधने को कुछ है। तू सदा सचमुच मुक्त है। इसलिए अष्टावक्र जैसे व्यक्ति कहते हैं कि इसी क्षण चाहे तो मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त है ही तू। मुक्ति में कोई बाधा नहीं है, बंधन कभी पड़ा ही नहीं, बंधन केवल माना हुआ है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। एक को दृष्टा असी, सर्वस्य मुक्त प्रायो असी सर्वदा, एमेव हि ते बंधो दृष्टारम् पश्यसि तरम्। एक ही बंधन है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है, और एक ही मुक्ति है कि तू अपने को दृष्टा जान ले। तो इस प्रयोग को थोड़ा करना शुरू करें, देखते हैं
वृक्ष के पास बैठे हैं, दिखाई पड़ रहा है वृक्ष, तो धीरे धीरे वृक्ष को देखते देखते उसको देखना शुरू करें जो वृक्ष को देख रहा है। जरा से हेरफेर की बात है, साधारणता चेतना का तीर वृक्ष की तरफ जा रहा है और इस तीर को दोनों तरफ जाने दें, इसका फल दोनों तरफ कर लें, वृक्ष को भी देखें और साथ ही चेष्टा करें उसको भी देखने की जो देख रहा है वृक्ष को। देखने वाले को नहीं भूले, देखने वाले को पकड़ ले कस के। बार बार भूलेगा, पुरानी आदत जो है, जन्मों की आदत है, भूलेगा ही, लेकिन बार बार देखने वाले को पकड़ ले। जैसे जैसे देखने वाला पकड़ में आने लगेगा, कभी कभी क्षण भर को ही आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन क्षण भर को ही पाएंगे कि एक अपूर्व शांति का उदय हुआ, एक आशीष बरसा, एक सौभाग्य की किरण उतरी। एक क्षण को भी अगर ऐसा हो तो एक क्षण को भी मुक्ति का आनंद मिलेगा और वह आनंद तुम्हारे जीवन के स्वाद को और जीवन की धारा को बदल देगा। शब्द नहीं बदलेंगे तुम्हारे जीवन की धारा को, शास्त्र नहीं बदलेंगे, अनुभव बदलेगा, स्वाद बदलेगा। यहाँ मुझे सुन रहे हैं, दो तरह से सुना जा सकता है, सुनते वक्त में जो बोल रहा हूँ अगर उस पर ही ध्यान रहे और तुम अपने को भूल जाओ तो फिर तुम दृष्टा नहीं रहे, श्रोता भी नहीं रहे, श्रावक भी नहीं रहे, तुम्हारा ध्यान मुझ पर अटक गया तो तुम दर्शक मात्र हो। आँख से ही दर्शक नहीं हुआ जाता, कान से भी दर्शक हुआ जाता है। जब भी ध्यान ऑब्जेक्ट पर, विषय पर अटक जाए तो तुम दर्शक हो गए। सुनते वक्त सुनो मुझे, साथ में उसको भी देखते रहो, पकड़ते रहो, टटोलते रहो जो सुन रहा है। निश्चित ही तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाले पर ही नज़र ना रहे, सुनने वाले को भी पकड़ते रहो, बीच बीच में उसका ख्याल लेते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिस घड़ी में तुमने सुनने वाले को पकड़ा उसी घड़ी में तुमने मुझे सुना, शेष सब व्यर्थ गया। जब तुम सुनने वाले को पकड़कर सुनोगे तब जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें सुनाई पड़ेगा, और अगर तुमने सुनने वाले को नहीं पकड़ा तो तुम ना मालूम क्या क्या सुन लोगे, जो ना तो मैंने कहा ना अष्टावक्र ने कहा। तब तुम्हारा मन बहुत से जाल बुन लेगा, तुम बेहोश हो, बेहोशी में तुम कैसे होश की बातें समझ पाओगे। ये बातें होश की हैं, ये बातें किसी और दुनिया की हैं। तुमने अगर नींद में सुना तो तुम इन बातों के आसपास अपने सपने गूंथ लोगे, इन बातों का रंग भी खराब कर दोगे, तुम इनको पोत लोगे, अपने ढंग से इनका अर्थ भी निकाल लोगे, तुम इनकी व्याख्या कर लोगे। तुम्हारी व्याख्या में ही ये अद्भुत वचन मुर्दा हो जाएंगे, तुम्हारे हाथ लाश लगेगी, अष्टावक्र की जीवित अष्टावक्र से तुम चूक जाओगे, क्योंकि जीवित अष्टावक्र को पकड़ने के लिए तो तुम्हें अपने दृष्टा को पकड़ना पड़ेगा, उसे पकड़ना ही होगा, वहाँ है जीवित अष्टावक्र, इसे ख्याल में लो। सुनते हो मुझे, सुनते सुनते उसको भी सुनने लगो जो सुन रहा है। तीर दोहरा हो जाए मेरी तरफ और तुम्हारी तरफ भी। अगर मैं भूल जाऊँ तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन तुम नहीं भूलने चाहिए। और एक ऐसी घड़ी आती है जब ना तो तुम रह जाते हो ना मैं रह जाता हूँ, एक ऐसी परम शांति की घड़ी आती है जब दो नहीं रह जाते
एक ही बचता है, तुम ही बोल रहे हो, तुम ही सुन रहे हो, तुम ही देख रहे हो, तुम ही दिखाई पड़ रहे हो। उस घड़ी के लिए ही इशारा अष्टावक्र कर रहे हैं कि वह एक है दृष्टा और सदा सचमुच मुक्त है, बंधन स्वपन जैसा है। आज रात तुम पुणे में सोओगे, लेकिन नींद में तुम कलकत्ते में भी जा सकते हो, दिल्ली में भी हो सकते हो, काठमांडू में भी, अमेरिका में भी, कहीं भी हो सकते हो। सुबह जागकर फिर तुम अपने आप को पुणे में पाओगे। सपने में अगर काठमांडू, कलकत्ता, पुणे चले गए तो लौटने के लिए कोई हवाई जहाज से तो यात्रा नहीं करनी ना, ना ट्रेन पकड़नी, ना पैदल यात्रा करनी। यात्रा करनी ही नहीं। सुबह आँख खुली और तुम वापस पुणे में। सुबह तुम पाओगे कहीं गए ही नहीं थे, सपने में गए थे, और सपने में जाना कोई जाना है भला? तो बंधन तो एक ही है तेरा कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। एक ही बंधन है कि हमें अपना होश नहीं, अपने दृष्टा होने का होश नहीं। एक तो ये अर्थ है इस सूत्र का, एक और भी अर्थ है, वह भी ख्याल में ले लेना चाहिए। साधारणतः अष्टावक्र के ऊपर जिन्होंने भी कुछ लिखा है, उन्होंने दूसरा ही अर्थ किया है, इसलिए वह दूसरा अर्थ भी समझ लेना चाहिए, जरूरी है। वो दूसरा अर्थ भी ठीक है, दोनों अर्थ साथ साथ ठीक है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा दिखता है। तुम मुझे सुन रहे हो, सोचते हो, कान सुन रहा है, तुम मुझे देख रहे हो, सोचते हो, आंखें देख रही हैं। आंख क्या देखेगी? आंख को दृष्टा समझ रहे हो तो भूल हो गई। देखने वाला तो आंख के पीछे है, सुनने वाला तो कान के पीछे है। तुम मेरे हाथ को छुओ तो तुम सोचोगे तुम्हारे हाथ ने मेरे हाथ को छुआ। गलती हो रही है, छूने वाला तो हाथ के भीतर छिपा है, हाथ क्या छुएगा भला? कल मर जाओगे, लाश पड़ी रह जाएगी, लोग हाथ पकड़े बैठे रहेंगे, कुछ भी ना छुएगा ना, लाश पड़ी रह जाएगी, आंखें खुली पड़ी रहेंगी, सब दिखाई पड़ेगा और कुछ भी दिखाई ना देगा। लाश पड़ी रह जाएगी, संगीत होगा, बैंड बाजे बजेंगे, कान पर चोट भी लगेगी, झंकार भी आएगी, लेकिन कुछ भी सुनाई ना पड़ेगा। जिसे सुनाई पड़ता था, जिसे दिखाई पड़ता था, जिसे स्पर्श होता था, स्वाद होता था, वह जा चुका। इंद्रियां नहीं अनुभव लाती, इंद्रियों के पीछे छिपा हुआ कोई। तो दूसरा अर्थ इस सूत्र का है कि तुम अपने को ही दृष्टा जानना, शरीर को मत जान लेना, आँख को, कान को, इंद्रियों को मत जान लेना, भीतर की चेतना को ही दृष्टा जानना। मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। अहम करता इति, मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दर्शित हुआ तू। हमारी मान्यता ही सब कुछ है, हम मान्यता के सपने में पड़े हैं, हम अपने को जो मान लेते हैं वही हो जाते हैं। ये बहुत विचारणीय है, पूरब के अनुभव का सार निचोड़ है ये। हमने जो मान लिया है अपने को वही हम हो जाते हैं। तुमने अगर कभी किसी सम्मोहन विद को, हिप्नोटिस्ट को प्रयोग करते देखा है तो तुम चौंके होगे अगर वो किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके कह देता है पुरुष को कि तुम स्त्री हो, और फिर कहता है उठो चलो, तो वो आदमी स्त्री की तरह मटकते हुए चलने लगता है,
बहुत कठिन है स्त्री की तरह चलना, उसके लिए खास तरह का शरीर का ढांचा होना चाहिए। स्त्री की तरह चलने के लिए गर्भ की खाली जगह चाहिए पेट में, अन्यथा कोई स्त्री की तरह चल नहीं सकता। या बहुत अभ्यास करे तो चल सकता है, लेकिन कोई समन्वित किसी को सुला देता है बेहोशी में और कहता है उठो तुम स्त्री हो पुरुष नहीं चलो, वह स्त्री की तरह चलने लगता है। वह उसे प्याज पकड़ा देता है और कहता है ये सेब है नाश्ता कर लो, वो प्याज का नाश्ता कर लेता है और उससे पूछो कैसा स्वाद, वो कहता है बड़ा स्वादिष्ट। उसे पता भी नहीं चलता कि ये प्याज है, उसे बदबू भी नहीं आती। समन्वितों ने ये अनुभव किया है और अब तो ये वैज्ञानिक तथ्य है, इस पर बहुत से प्रयोग हुए हैं। सम्मोहन में मूर्छित व्यक्ति के हाथ में उठाकर एक साधारण कंकर रख दो और कह दो अंगारा रख दिया, झटक कर फेंक देगा उसे, चीखेगा हाथ जल गया मेरा, चिल्लाएगा इतने तक भी बात होती तो ठीक था, लेकिन हाथ पर फफोला भी आ जाता है। तुमने खबर सुनी होगी लोगों की कि जो आग पर चल लेते हैं वह भी सम्मोहन की गहरी अवस्था है। अगर तुमने ऐसा मान लिया कि नहीं जलूंगा तो आग भी नहीं जलाते, मानने भर की बात है। अगर जरा भी संदेह रहा तो मुश्किल हो जाएगी, तो जल जाओगे। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ लोग सिर्फ हिम्मत करके चले गए कि जब इतने लोग चल रहे हैं तो हम भी चल लेंगे आग में, लेकिन भीतर संदेह का कीड़ा था तो वो जल गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर प्रयोग किया गया। लंका से कुछ बौद्ध भिक्षु बुलाए गए चलने के लिए आग पर। वो बुद्ध पूर्णिमा को हर वर्ष बुद्ध की स्मृति में आग पर चलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, बुद्ध की स्मृति में आग पर चलना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की कुल स्मृति इतनी है कि तुम दे नहीं हो, तो जब हम दे ही नहीं तो आग हमें कैसे जलाएगी। कृष्ण गीता में कहा है ना आग तुझे जला सकती है, ना शस्त्र तुझे छेद सकते हैं, नैनम छिंदती शस्त्रानी नैनम दहती पावका। नहीं, आग तुझे जलाएगी नहीं, शस्त्र तुझे छेद सकते नहीं। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु आग पर चलते हैं। निमंत्रित किया गया उन्हें, वो ऑक्सफोर्ड में भी चले। जब वे ऑक्सफोर्ड में चल रहे थे तो एक भिक्षु चल गया, कोई 20 भिक्षु चले होंगे, एक भिक्षु जल गया। खोजबीन की गई, वो भिक्षु सिर्फ इंग्लैंड देखने आया था, उसे कोई भरोसा नहीं था कि वो चल पाएगा, उसकी मर्जी कुछ और थी, वह तो सिर्फ यात्रा करने आया था, उसकी तो आकांक्षा इतनी ही थी कि इंग्लैंड देख लेंगे। और उसने सोचा कि ये जब 19 लोग नहीं जलते तो मैं क्यों जलूँगा, मगर भीतर संदेह का कीड़ा था, डाउट, जल गया। और वहीं उसी रात दूसरी घटना घटी कि एक प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसने कभी ये घटना न देखी थी न सुनी थी, वो सिर्फ बैठकर देख रहा था, उसे देखकर इतना भरोसा आ गया कि वो उठा और चलने लगा और चल गया। ना तो वो बौद्ध था ना धार्मिक था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था, उसे तो सिर्फ इतने लोगों का चलना यही देखकर ये लगा, ये भाव इतनी गहनता से उठा, ये श्रद्धा इतनी सघन हो गई कि वो उठा एक गहन आनंद भाव में और नाचने लगा आग पर। भिक्षु भी चौंके, क्योंकि भिक्षुओं को तो ये ख्याल था कि बुद्ध भगवान उन्हें बचा रहे हैं, ये आदमी तो कोई बौद्ध नहीं है, ये तो अंग्रेज था और धार्मिक भी नहीं था, चर्च भी नहीं जाता था, तो क्राइस्ट भी इसकी फिक्र नहीं करेंगे, बुद्ध से तो कुछ लेना देना है नहीं इसका, इसका तो कोई भी मालिक नहीं है, प्रोटेक्टर कोई भी नहीं है, सिर्फ श्रद्धा।
हम जो मानते हैं गहन श्रद्धा में वही हो जाता है। मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी सुखी हो, ये वचन ख्याल रखना। बार बार अष्टावक्र कहते हैं सुखी हो, वे कहते हैं इसी क्षण घट सकती है ये बात। अहम करता इति मैं करता हूँ ऐसी हमारी धारणा है, उस धारणा के अनुसार हमारा अहंकार निर्मित होता है। करता यानी अस्मिता, मैं करता हूँ उसी से हमारा अहंकार निर्मित होता है, इसलिए जितना बड़ा करता हो उतना बड़ा अहंकार। तुमने अगर कुछ खास नहीं किया तो तुम क्या अहंकार रखोगे भाई? तुमने एक बड़ा मकान बनाया, उतना ही बड़ा तुम्हारा अहंकार हो गया। तुमने एक बड़ा साम्राज्य रचाया तो उतनी ही सीमा तुम्हारे अहंकार की हो गई। इसलिए तो दुनिया को जीतने के लिए पागल लोग निकलते हैं। दुनिया को जीतने थोड़े निकलते हैं, दुनिया किसने कब जीती? लोग आते हैं चले जाते हैं, दुनिया को कौन जीत सका, कौन जीत पाता है? लेकिन दुनिया को जीतने निकलते हैं घोषणा करने की, मेरा अहंकार इतना विराट है कि सारी दुनिया को छोटा कर दूंगा, घेर लूंगा, सीमा बना दूंगा, मैं ही परिभाषा बनूंगा सारे जगत की। सिकंदर, सिकंदर और नेपोलियन, तैमूर, नादिर और सारे पागल दुनिया को घेरने चलते हैं। ये दुनिया को घेरने के लिए जो आकांक्षा है ये अहंकार की आकांक्षा है। किसी को तुमने देखा मंत्री हो गया या मुख्यमंत्री हो गया, तब उसकी चाल बदल जाती है ना, और जब पद पर नहीं रहता है तब ऐसी खराब हालत हो जाती है पद से उतरकर कि आदमी तो वही है पर बल खो जाता है। वो जो अहंकार का विष था जो गति दे रहा था, नशा दे रहा था, वह चाल में जो मस्ती आ गई थी, सिर ऊंचा उठ गया था, रीढ़ सीधी हो गई थी, वो सब खो जाता है। क्या हो गया? एक क्षण पहले इतना बल मालूम होता था, एक क्षण बाद ऐसा निर्बल हो गया। जब तक पद है, जब तक हमारे पास कोई भी पोस्ट है, चाहे राजनीतिज्ञ हो, मास्टर हो, राजा हो, सबको अहंकार पोषण देता रहता है। लेकिन जैसे ही हम पदविहीन होते हैं बल खो जाता है। इसलिए तो रिटायरमेंट के बाद लोग ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते, क्योंकि हर कोई जो उनके सामने सलाम करता था, झुकता था, उनके भाव ऐसे हो जाते हैं कि अब भाई माफ़ करो। तो ये जो कुछ भी चलता है सब अहंकार की वजह से चलता है, और जब आप इन सब को समझ जाते हैं तो जीवन का सार समझ जाते हैं। आज इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।